भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही लंबी सीरीज खत्म हो गई है और अब बारी है आईपीएल 2023 की। आईपीएल की तैयारी अपने चरम पर है और टीमों के कैंप शुरू हो गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो खिलाड़ी खेल रहे थे वे अभी कुछ दिन आराम करेंगे और 2 से 3 दिन के भीतर सभी अपनी अपनी टीम से जुड़ जाएंगे। आईपीएल का पहला मैच 31 मार्च को चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेला जाएगा। इस बीच आईपीएल 2023 में बहुत सारे बदलाव भी देखने के लिए मिलेंगे। कुछ नियम पहले से ही हैं जिसमें हल्का सा बदलाव किया गया है, वहीं कुछ ऐसे भी रूल्स हैं जो पहली बार सामने आने जा रहे हैं। इससे मैच के दौरान रोमांच और भी बढ़ जाएगा, लेकिन इससे पहले कि मैच शुरू हो और नए नियम सामने आए, आपको इनके बारे में विस्तार से जान लेना चाहिए ताकि मैच के दौरान आपको दिक्कत न हो। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं। आईपीएल 2023 के दौरान पहली बार इंपैक्ट प्लेयर रोल सामने आ रहा है, यानी जब कप्तान अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान करेंगे तो 11 नहीं बल्कि 13 प्लेयर्स के नाम बताएंगे। दो खिलाड़ी ऐसे होंगे तो इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर मैदान में आकर अपनी टीम के साथ वैसे ही खेल सकेंगे जैसे बाकी खिलाड़ी खेल रहे हैं। इस बार एक और नया नियम आया है, वो ये है कि सभी टीमों के कप्तान टॉस के बाद अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान कर सकते हैं। अभी तक होता ये था कि टॉस के पहले ही दोनों कप्तान अपनी अपनी प्लेइंग 11 सौंपते थे, लेकिन टॉस में हार जीत के बाद समीकरण बदल जाते थे। इससे अब टीमों और उनके कप्तानों के पास रणनीति बदलने का पर्याप्त समय होगा। इस बार के आईपीएल में कप्तानों और टीम की टेंशन टाइम को लेकर भी बढ़ सकती है, यानी अगर कोई टीम निर्धारित समय में अपने कोटे के पूरे 20 ओवर नहीं कर पाती है तो ओवर रन पेनल्टी लगेगी। इसके बाद टीम के जितने भी ओवर कम होंगे उसमें 30 गज के बाहर केवल 4 ही फील्डर रखने की परमिशन होगी। इतना ही नहीं, मैच के दौरान अगर विकेटकीपर कोई हरकत करता है जिससे मैच में व्यवधान पड़ता है तो उसे एक बॉल माना जाएगा और बल्लेबाजी करने वाली टीम को 5 रन दिए जाएंगे। अगर कोई और फील्डर भी गलत हरकत करता है तो उसके लिए भी बल्लेबाजी करने वाली टीम को 5 रन दिए जाएंगे। इस बारे में मैदानी अंपायर जो फैसला करेंगे वही अंतिम माना जाएगा। आईपीएल में इस बार जो सबसे ज्यादा रोचक नियम है वो इंपैक्ट प्लेयर रूल है। इस नियम के तहत 20 ओवर के मैच में 14 ओवर से पहले पहले टीम अपनी प्लेइंग 11 से किसी भी खिलाड़ी को बाहर कर पहले ही बताए गए 2 प्लेयर्स में से किसी को भी टीम में शामिल कर सकती है। ये ऐसा नियम होगा जो मैच की दशा और दिशा एक ही झटके में बदल सकता है, लेकिन अगर बारिश के कारण या फिर किसी और व्यवधान के कारण मैच 20 ओवर से घटनाकर 10 ओवर का ही कर दिया जाता है तो ये नियम लागू नहीं होगा। इस बीच आईपीएल करीब 3 साल बाद अखिल भारतीय टाइप का होने जा रहा है, यानी सभी टीमें अपने घर पर एक मैच खेलेंगी और दूसरा मैच विरोधी टीम के घर पर खेलेंगी। इससे फैंस एक बार फिर से स्टेडियम में जाकर मैच देखने का आनंद मिलेगा।